सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में लोक शिकायत और अधिकार अधिनियम को लेकर आज पटना में बैठक होगी। दरअसल 6 जून से ये अधिनियम लागू हो जाएगा और इसके लिए 1,500 कर्मचारी बहाल किए जाएंगे। ये कर्मचारी शिकायतों की मॉनिटरिंग करेंगे। इस अधिनियम के जरिए सरकारी कर्मचारियों और अफसरों को जनता के प्रति और अधिक जवाबदेह बनाया जाएगा। तो सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बैठक होने वाली है और लोक शिकायत और अधिनियम अधिकार को लेकर आज पटना में बैठक होगी। 6 जून से ये अधिनियम लागू हो जाएगा। इसके लिए 1,500 कर्मचारी बहाल किए जाएंगे। ये कर्मचारी शिकायतों को सुनेंगे, उनकी मॉनिटरिंग करेंगे और इस अधिनियम के जरिए सरकारी कर्मचारियों और अफसरों को आम लोगों के प्रति और अधिक जवाबदेह बनाया जाएगा। आनंद अमृतराज पटना से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आनंद, कितने बजे ये बैठक होगी आज और इसके लागू होने से लोगों को कितना फायदा होगा? देखिए, 11 बजे के आसपास ये बैठक शुरू होगी और इसमें मुख्यमंत्री खुद भी शिरकत करेंगे, तो जाहिर सी बात है ये बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अब तक आपको याद होगा ललिता की भी मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाते हैं और लोगों की शिकायत सुनते हैं और कई बार उन्हें ये शिकायत मिलती है कि सरकारी कर्मचारियों ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया, ऐसा व्यवहार किया, उनका काम समय पर नहीं हो पाता है। छोटी छोटी बातों से लेकर बड़े बड़े काम उन सरकारी अधिकारियों की वजह से, कर्मचारियों की वजह से लटक जाते हैं। तो ये जो नया अधिनियम बनाने की तैयारी बिहार सरकार कर रही है और 6 जून से ये लागू होगी, उसके बाद एक पूरी टीम ऐसी तैयार की जाएगी जिसके मार्फत अपनी कोई भी शिकायत लेकर अगर आप उनके पास जाते हैं तो एक तय समय सीमा के अंदर उसका काम करना होगा। और अगर जो अधिकारी वैसे लोगों का काम नहीं करते हैं तय समय सीमा के अंदर, तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी, अर्थदंड लगाया जाएगा, उन्हें सजा भी हो सकती है। तो ये नियम बहुत कड़े बनाए जा रहे हैं और उम्मीद यही जताई जा रही है कि सरकारी कार्यों में जो पारदर्शिता है वो बढ़ेगी। उसके अलावा सरकारी कार्य के बारे में जो अब तक लोगों का धारणा बना हुआ है कि सरकारी काम समय पर नहीं पूरा होता है, जब काम करने के लिए जाते हैं तो उनसे घूस की डिमांड की जाती है, कई तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ता है, टाल मटोल वाला रवैया अपनाया जाता है अधिकारियों की तरफ से, कर्मचारियों की तरफ से, तमाम बातों की शिकायत जो है वो दूर होने की संभावना है। और बेहद कड़े नियम भी बनाया गया है इस अधिनियम के तहत। तो मुख्यमंत्री की कोशिश यह है कि उन्होंने जो 7 निश्चय लिया है, 7 निश्चय पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अगर ललिता होगा तो सरकारी कर्मचारियों को बढ़ चढ़ कर भाग लेना होगा। और ऐसे में अगर सही तरीके से काम नहीं करेंगे कर्मचारी तो आम जनता अगर नाराज होगी तो कहीं ना कहीं इसका सीधा असर बिहार सरकार पर भी पड़ेगा।